फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज का बैकनेक डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मेन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। अस्तर के कपड़े को हमने अपनी तरफ फोल्ड करके रखना है। जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ लीजिएगा, 1 इंच मार्जिन का प्रेस करके। टोटल मैंने यहाँ पर देखिए एक लाइन ड्रॉ करके पहले कपड़े को सीधा रखा है, कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ फोल्ड करके रखा है और टोटल लेंथ ली है मैंने 14 इंच। 13 इंच लेंथ मुझे तैयार रखनी है इस ब्लाउज़ की और इसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम यहाँ पर। चेस्ट यहाँ पर देखिए शोल्डर एंड आर्महोल्स हमें डीप नेक के अकॉर्डिंग रखना है 34 साइज में। तो मैंने यहाँ पर शोल्डर लिया है 5 इंच, आर्महोल्स लेना है 5.5 इंच। इस तरीके से हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे आर्महोल की और चेस्ट की लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। चेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे 8.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन का। और इस तरीके से देखिए 1/2 इंच हमें बाहर की तरफ करते हुए मार्क करना है और यहाँ पर हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर बाहर वाली लाइन से हम आर्म होल की गोलाई करेंगे। कमर का 4th पार्ट है यहाँ पर 7 इंच, 28 इंच कमर है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन का, 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है बैक पार्ट की प्लेट्स का। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हमें देखिए इस तरीके से इसे कट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने मार्किंग कर ली है और इसके बाद देखिए गले के लिए मेजरमेंट लेना है। नेक विड्थ रखनी है 2 इंच और नेक की लेंथ रखनी है हमें यहाँ पर 9 इंच। मैं 9.5 इंच रख रही हूँ इस तरीके से। गले की जो विड्थ है वो आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, नेक की जो लेंथ है वो भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए अब हमें मार्क कर लेना है। नीचे से गले की जो विड्थ है वो मैंने 3 इंच रखी है। नेक का शेप हमने ड्रॉ कर लिया है और इसके बाद अब हम इसे कट कर लेंगे। तो गले की कटिंग हमें इस तरीके से कर लेनी है और इसमें अच्छी फिनिशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे पेपर पेस्टिंग का। तो पेपर पेस्टिंग हमने इस तरीके से लेना है डबल फोल्ड करके, उसके ऊपर गले को इस तरीके से रख लेना है यहाँ पर, नेक को इस तरीके से रख लेना है, अच्छे से सेट कर लेना है और यहाँ पर पेपर पेस्टिंग पे गले के अकॉर्डिंग मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर पहले हम मार्किंग कर लेंगे और फिर साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग कर लेंगे इसे। ये देखिए साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इसे कट कर लेना है आपको इस तरीके से। इसके बाद हमने अस्तर वाला कपड़ा लेना है इसको अटैच करने के लिए और इस पैटर्न को मेन फैब्रिक पर भी कट कर लेना है। मेन फैब्रिक पर मैंने कट कर लिया है, पैटर्न को आप प्रेस से चिपका सकते हैं और नहीं तो सिलाई लगाकर भी इसे अटैच कर सकते हैं। मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को हमें साथ में ज्वाइंट कर लेना है। सबसे पहले हम इसे बराबर से यहाँ पर रख लेंगे और पिन लगा लेंगे। सबसे पहले हम गले पर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए गले पर सिलाई लगाने के बाद फिर साइड से सिलाई लगाएंगे और इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट करके निकाल देंगे। सिलाई मैंने लगा ली है, अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। इस तरीके से देखिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। अब हमें पेपर पेस्टिंग लेना है और उसे सिलाई लगाकर अटैच कर देना है। इस तरीके से हम एक कॉर्नर की सिलाई लगाकर इसे अटैच कर देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। साइड से हमें उतना ही कपड़ा रखना है जितना कि फोल्ड करना है। अब हमने इसे इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ये देखिए गले को हमने फोल्ड कर लिया है, अब हम इसे ब्लाउज़ पर अटैच करेंगे। तो इस तरीके से इसे रखना है और साइड से भी आप चेक कर लें बराबर है या नहीं। और इस तरीके से देखिए हमें यहाँ पर इसे अटैच कर देना है। पिन लगा लेनी है यहाँ पर हमें। अब हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से।
तो नेक की डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सिलाई लगा कर इसे कंप्लीट कर लेंगे। और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है। छोटे छोटे कट हम पूरे ही पैटर्न पर यहाँ पर लगा लेंगे ताकि जो गला है वो अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। अब एक सिलाई हम गले को इस तरफ करते हुए लगा लेंगे। गला पट्टी को इस तरफ करते हुए एक कॉर्नर की सिलाई हमें लगा लेनी है इस तरीके से। अब गला पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अच्छे से हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। और यहाँ पर हम ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। ऊपर हमने फिनिशिंग की सिलाई भी लगा ली है और अब हम डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो सबसे पहले गले के नीचे हमें फ्रिल लगानी है तो वो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर जो कपड़ा लिया है वो 3 इंच विड्थ में लिया है। और इस तरीके से देखिए 3 से 3.5 इंच विड्थ में आप फैब्रिक ले सकते हैं। एक सिलाई इस तरीके से लगा लेनी है हमें सीधी सीधी। फिर हम इस पर फ्रिल डाल लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसे आपको कट कर देना है। अब हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। ये देखिए इस तरीके से हम फ्रिल जो पट्टी है हमारी उसे फ्रिल बना लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर लगा लेंगे। तो लगाते समय आप इसे आगे की तरफ से फोल्ड कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे क्योंकि इसके बाद हमें जो यहाँ पर ऊपर वाला नेक है वहाँ पर लूप बना कर लगाने हैं। यही मार्किंग हम दूसरी तरफ से भी कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए मार्किंग हमने दोनों तरफ कर ली है और अब हम नीचे फ्रिल लगा लेंगे। तो फ्रिल को अगर आप चाहें तो आगे की तरफ से फोल्ड कर सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा बढ़ा कर रखें इसे ताकि हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दें, या फिर आप अभी सिलाई लगाते समय भी फोल्ड कर सकते हैं इसे। फ्रिल को हमने अटैच कर दिया है और एक्स्ट्रा धागे निकल रहे हैं तो उसे कट कर देना है आपको। और इसके ऊपर फिनिशिंग करने के लिए हमें जो हम लूप बनाएंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर एक सीधी पट्टी ली है जिसे हमने 1/2 इंच की गेप देते हुए सिलाई लगा लेनी है। और एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल देना है और इसे हम सुई धागे की मदद से पलट लेंगे जैसे हम अपने ब्लाउज़ की डोरी बनाते हैं उसी तरीके से। इस तरीके से हमें इसे पलट लेना है। पलट करके हम इसे सीधा कर लेंगे। इसी तरीके से हमें और भी पट्टियाँ बनानी हैं जो हम उरेप में बनाएंगे इस पर फिनिशिंग करने के लिए। ये पट्टी हमने बना ली है और इसके हमें छोटे छोटे लूप कट कर लेने हैं इस तरीके से। सारी पट्टी के मैंने लूप कट कर लिए हैं। एक तरफ मैं इसे अटैच करके आपको दिखाती हूँ। उससे पहले हम यहाँ पर ये पट्टियाँ अटैच कर लेते हैं जो कि मैंने उरेप में कट की है। ये हम गले पर लगाएंगे। गले में लगाने के लिए हमें उरेप पट्टी ही कट करनी है और इसे भी इस तरीके से सिलाई लगाकर आपको पलट लेना है जिस तरीके से हमने लूप की पट्टी पलटी है। अब हमें क्या करना है, आगे की तरफ सिर्फ फ्रिल को भी फोल्ड कर देना है और ये जो पट्टी हम गले पर लगा रहे हैं उसे भी हमने फोल्ड कर देना है। और जो फ्रिल है उसका जो जॉइंट है वो हमें यहाँ पर कवर करते हुए सिलाई लगानी है। पट्टी को आगे की तरफ आप फोल्ड कर लें इस तरीके से। और अब हमें ऊपर फिनिशिंग की एक सिलाई और लगा देनी है साइड में। तो हमें कोई लेस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, पट्टी से ही हमने गले की फिनिशिंग कर दी है। अगर आपके पास फैब्रिक नहीं होता है तो आप इस डिज़ाइन के ऊपर लेस भी लगा सकते हैं। और अब हमें लूप बनाकर लगा लेने हैं। तो ऊपर से 1/2 इंच का गेप छोड़ते हुए और थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें लूप अटैच कर देने हैं क्योंकि जो बीच का गेप रहेगा वहाँ पर हम मोती अटैच करेंगे। इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें लूप को अटैच कर देना है।
तो लूप का जो मुंह है वो हमने गले की तरफ रखा हुआ है। ये देखिए इस तरीके से। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया है और ये जो लूप का जॉइंट है उसे उसे यहाँ पर फिनिशिंग करने के लिए भी हमने उरेब पट्टी जो तैयार की थी वो यहाँ पर लगा लेना है। लूप हमने दूसरी तरफ भी लगा लिए हैं गले के और इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हमें पट्टी लगा लेनी है। एक सिलाई हम यहाँ पर और लगा लेंगे इस तरीके से। तो इसी तरीके से पट्टी हमें दूसरी तरफ भी अटैच कर देनी है। दोनों तरफ अटैच कर दी है। अब हमें दोनों कॉर्नर को पकड़ना है इस तरीके से, सेंटर में कट लगाना है और यहाँ पर हम प्लिट्स डाल लेंगे इस तरीके से। दोनों तरफ हमने 4-4 इंच की लेंथ में प्लिट्स डाल लेनी है और नीचे की तरफ लगा लेंगे हम कमर पट्टी इस तरीके से। हमें कमर पट्टी अटैच कर देनी है। एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। अब हम कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। कमर पट्टी मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दी है और यहाँ पर देखिए मैंने एक तरफ मोती लगाए हैं। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी मोती अटैच करने हैं। तो पहले हम धागे को अच्छे से यहाँ पर पक्का कर लेंगे, फिर एक मोती यहाँ पर लगाएंगे। लूप के अंदर से आपको सुई को निकालना है और मोती अटैच कर देना है। फिर से देखिए हम इस तरीके से करेंगे, फिर लूप को टक करते हुए आपको यहाँ पर लूप के अंदर से टाका निकालते हुए फिर लूप के अंदर आपको मोती को टक करना है। इस तरीके से पूरे ही डिज़ाइन पर हम यहाँ पर पूरे ही लूप के पास तक मोती अटैच कर लेंगे। इसके बाद मैंने डोरी भी बना कर रखी है और डोरी हम गले पर अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लिया है। तो ये डिज़ाइन बन करके रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।